हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लहसुनी आलू भरता। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लहसुनी आलू भरता बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ 6 आलू। आलू को उबाल कर मैं यहाँ पर रखी हूँ और यहाँ पर मैं ली हूँ 10 से 12 लहसुन की कली को मैं कूट कर रखी हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च, आधे छोटे चम्मच पंचफुटन। पहले हम आलू का छिलका उतार कर इसको हाथ से अच्छी तरह मसल देंगे। आलू का छिलका निकाल कर मैं यहाँ पर रखी हूँ। अब हम इसमें नमक मिलाकर हाथ से अच्छी तरह मसल देंगे। आप चाहो तो इसको भी ग्रेट भी कर सकते हैं। देखिए आलू अच्छे से मैश हो गया है। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे तेल। तेल गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे पंचफुटन। हरी मिर्च, 1 सूखी लाल मिर्च को मैं तोड़ कर यहाँ पर रखी हूँ। पंचफुटन चटक गया है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुनी आलू भरता के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लहसुन ली हूँ ताकि इसका फ्लेवर आलू में आ जाए। लहसुन को हम 1 मिनट भूनेंगे। देखिए लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मैश किया हुआ आलू। यकीन मानिए ये भरता बहुत ही टेस्टी होता है। आप जरूर इसे एक बार ट्राई कीजिए। ये भरता सबको बहुत पसंद आएगी। आलू को हम थोड़ा सा गोल्डन होने तक भुनेंगे। हम इसको 5 से 7 मिनट भूनेंगे। देखिए हमारा आलू थोड़ा सा भुन गया है। अब हम इसको और 2 मिनट भूनेंगे। आलू जितना भुनेगा उतना ही टेस्टी लगेगा।
देखिए 2 मिनट हो गया है, देखिए हमारा आलू में गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसके ऊपर धनिया पत्ता डाल देंगे, मिला देंगे। हमारा लहसुन या आलू भट्टा बनकर तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। ये बन गया हमारा बहुत ही स्वादिष्ट लहसुनी आलू भट्टा। आप इसे घर में ज़रूर एक बार बनाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इस तरह बनाकर एक बार खाएंगे तो बार बार ऐसे ही बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और हेल्दी रेसिपी के साथ। थैंक यू।